मैं हर जगह विराजमान हूँ, फिर चाहे वो कोई जीव जंतु हो या फिर वो कोई निर्जीव हो, मैं हर जगह विराजमान हूँ। और मेरी शक्ति और मेरा प्यार हर जगह तुम्हारे लिए है। तुम चाहे मेरी सचरित्र को लेकर मुझसे विनती करो, या मेरे समक्ष बैठकर मुझसे बातें करो, या फिर मेरी एक बहुत ही छोटी सी तस्वीर या चरण पादुका हो, हर एक जगह याद रखना तुम्हारा साई है। मुझे कहीं दूर मत खोजने जाना, कहीं और ना मिलूं, तुम्हारे नेत्र ढूंढ ना पाएं, फिर भी तुम्हारा दिल ढूंढ लेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम में वास करता हूँ, मैं हर एक सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ रहता हूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है और मैं यही करता हूँ कि जो सच्चे हैं उनकी सहायता करूँ, और बस मैं यही करता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं जो सही मार्ग से भटक गए हैं उन्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश, और उन्हें अपनी गलतियों का एक दिन पछतावा भी होगा, पर उन सब बातों से तुम विचलित मत हो, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, तुम जितना कर सकते हो बस अपनी तरफ से उतना करो, और विश्वास रखो हर एक चीज तुम मुझ पर छोड़ दो, पहले नहीं तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरे, या फिर किसी और तरीके से तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा। ये जीवन तुम्हें मिला है तो इसमें खुशियां मैं भरूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम निश्चिंत रहो, समझे? किसी भी परिस्थिति या किसी भी इंसान की वजह से परेशान मत हो, ये मैं तुम्हें हमेशा समझाता आया हूँ और हमेशा समझाऊंगा, क्योंकि देखना खुशियां तुम्हारे हाथों पर बहुत जल्दी रख दी जाएंगी, तुम वो पाकर बहुत खुश हो जाओगे। जीवन बदल रहा है तुम्हारा, और बहुत खूबसूरती से, बहुत अलग अलग तरीके से बदलने जा रहा है। तुम मेरा परीक्षण करना छोड़ दो और बस देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक बात हमेशा समझो कि जीवन कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, कुछ पुरानी चीजें पीछे हटेंगी और कुछ नई चीजें आएंगी, और ये वास्तविक है, जब कुछ बदलाव होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, तो कुछ बड़े पहाड़ भी होते हैं जिन्हें चढ़कर उसकी ऊंचाइयों तक हमें हर बार पहुंचना होता है। तो कभी ना कभी थोड़ी बहुत परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन वो तुम्हें विचलित करने कभी नहीं आएंगी, वो तुम्हें ये बताने आएंगी कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं। हर बार जब तुम हारने लगोगे, हर बार जब तुम टूटने लगोगे, बस उसी वक्त तुम मुझे अपने साथ पाओगे, तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास होगा, तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम चाहे कितने भी ऊंचाई से गिरने की कोशिश करो, तुम्हें उस ऊंचाइयों पर पकड़कर मैं खड़ा रखूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा उन ऊंचाइयों और बुलंदियों से खुशी और शांति के साथ जीवन बिताए। और मैं ये करूँगा, मैं कर भी रहा हूँ, इसलिए ये छोटी बड़ी चिंताएं आती रहती हैं, जो तुम्हें आज लग रहा है कि ये सबसे बड़ी समस्या है, कल को ये कोई बात भी नहीं रहेगी, ये समस्या जा चुकी होगी, इसलिए फिर कहता हूँ चिंता मत करना, बस मुझ पर पूरा विश्वास करना, और चिंता तो बिल्कुल मत करो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ तुम बहुत योग्य हो और अब तुम चमकोगे, समझे? और तुम जैसे मुझसे प्यार करते हो ना, तो मैं भी तुम्हें कुछ देने वाला हूँ, क्या कहते हैं उसे जिसे मैं उपहार कहता हूँ, उसे तुम अपने शब्दों में शायद सरप्राइज कहते हो, वो तुम्हें मिलेगा, तैयार रहो खुशियों को अपने हिस्से में लेने के लिए, बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारे रास्ते आ रही हैं, रोया मत करो, मुझे सब समझ आ रहा है, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा हमेशा रहूँगा।